सभी को नमस्कार। खास तौर पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने आया जब बुलाया तो उसके लिए निकोबार टाइम्स न्यूज़ आप तक, आइलैंड न्यूज़, अंडमान रिपब्लिक न्यूज़ 24/7, चारों न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज अंडमान का बहुत बड़ा मुद्दा को लेकर के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आज यहाँ पर बुलाया और आप लोग यहाँ पर आए। आज अंडमान में युवा नौकरी को लेकर यहां वहां भटक रहे हैं, कहीं हमारा आइलैंडर्स बहुत परेशान है नौकरी नहीं मिलने की वजह से, कहीं सोचता है कि कोई बिजनेस करेगा लेकिन कुछ कारणवश जो है बिजनेस करने से भी उन लोगों को रोका जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन कुछ दिनों से मुझे कहीं लोग, कहीं बूढ़े, कहीं भाई, कहीं आइलैंडर्स मुझसे कांटेक्ट करे और ये कह रहा है कि अजीज भाई, आपका जो पार्टी अंडमान निकोबार जनता पार्टी जो आज काम कर रहा है, आप कन्वर्शन और डाइवर्शन को भी लेकर के कुछ काम करिए। जो हमारे हमें जमीन मिला था और वो जमीन में आज हम लोग जो अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, ना दुकान खोल पा रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद हमारा कन्वर्शन और डाइवर्शन को लेकर के, जो 2019 से हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो बंद करके रखा हुआ है, और खासकर मैं आपको बता दूं पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में 4000 घर ऐसा घर है जो स्टे वो करके आज रुका हुआ है, स्टे में 4000 घर। आप बताइए अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में तानाशाही नहीं तो और क्या चल रहा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको बता दूं, आने वाला 25 तारीख को जो सिप्पीघाट जंक्शन में हमारा अंडमान निकोबार जनता पार्टी की ओर से जो पब्लिक मीटिंग रखा गया है, ये पब्लिक मीटिंग में खासकर हमारा बातचीत होगा कन्वर्शन और डाइवर्शन को लेकर। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जो मेरा ये आवाज सुन रहा है, जो जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि 25 तारीख को शाम को 3 बजे सिप्पीघाट जंक्शन में जो पब्लिक मीटिंग होने जा रहा है, ये अंडमान का हित में, इतिहास में पहली बार होगा ऐसा कन्वर्शन को लेकर के कोई पब्लिक मीटिंग कर रहा है। मुझे बताते हुए शर्म भी आ रहा है कि आज कांग्रेस और बीजेपी पार्टी इतना बड़ा नेशनल पार्टी होते हुए भी आज एक क्षेत्रीय पार्टी को यह सब मुद्दा के ऊपर में आवाज उठाना पड़ता है। आज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जो हमारा 25 तारीख को जो पब्लिक मीटिंग होगा, वो पब्लिक मीटिंग में एकदम क्लियर कट टाइम बॉन्ड दिया जाएगा और वो टाइम बॉन्ड के अंदर में कन्वर्शन डाइवर्शन को शुरू करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, नहीं तो अंडमान निकोबार जनता पार्टी कोई भी हद तक जाने के लिए, जेल भरो आंदोलन करने के लिए भी तैयार है और तैयार रहेगा। ये उस दिन ऐलान होगा डेट के साथ, टाइम के साथ, कहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, ये सब जो है सिप्पीघाट में जो है टाइम बॉन्ड दिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को 26 तारीख को एक लेटर भी दिया जाएगा, जो वो लेटर में क्लियर कट लिखा जाएगा कि हमारा जितने स्टे होकर पड़ा है सभी को वहां से वैकेट किया जाए स्टे से, और आने वाला जो डाइवर्शन कन्वर्शन में जो बात है उसमें जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करें। पूरे तौर पर मैं आपको बता दूं कि आज अंडमान का परिस्थिति क्या है, आज अंडमान का हालत क्या है। आज अंडमान में बेरोजगार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अगर वो पीएचडी का पोस्ट के लिए अगर हमने, हमारा अंडमान निकोबार जनता पार्टी वेंकट भाई और हम लोग मिल करके ये चक्का जाम नहीं किया होता तो ये भी जो है आज वो लैप्स होकर के वापस जो है मिनिस्ट्री में चले गया होता। आज ये 413 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार जनता पार्टी का बैनर में जो है ये पोस्ट को लाना पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को। उसी तरह 5 दिन का समय दिया जाएगा और ये 5 दिन के अंदर में डाइवर्शन और कन्वर्शन को दोनों को ठीक करके हमारा अंडमान निकोबार का जनता का हित के लिए आप लोगों को काम करना होगा। जैसा आप लोगों ने हर एक हमारा जो है रिपोर्ट को कवरेज किया है, आज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोरी का खुलने का जो बात है, पूरा बंबू फ्लैट, विम्बली कैच, हमारा तुष्णाबाद, हर एरिया में हम लोग पब्लिक मीटिंग करके लेटर बकायदा डीसी मैडम, सीएस को दे करके हम लोग जो है कोरी को भी खुलवाया।
ये अंडमान निकोबार जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, जो एक छोटा सा क्षेत्र पार्टी होते हुए इतना सारा काम करा सकता है। क्यों नेशनल पार्टी वाला अपना काम को भरपूर तरीके से नहीं निभाता? क्योंकि उन लोगों को पता है अंडमान निकोबार का जनता जो इलेक्शन आएगा बीजेपी और कांग्रेस देख करके वोट डालता है करके, ये गलतफहमी। आज मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये गलतफहमी जो आप लोगों के दिल में फंसे हुए हैं, ये गलतफहमी को दूर करना आप लोगों को पड़ेगा, ताकि आज आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम लेके जाइए आपका काम के लिए आपको उतर के आएंगे। लेकिन इससे पहले पूरा 5 साल दोनों पार्टी के लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स जो है चुपचाप बैठे थे और कोई जगह दिखाई नहीं देता था। आज अपना टिकट को लेकर के दोनों पार्टी परेशान है, दोनों पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अंडमान निकोबार जनता पार्टी अंडमान का क्षेत्रीय पार्टी है, अंडमान से अंडमान का जुड़ा हुआ पार्टी है, अंडमान का हर मुद्दा को समझता है, अंडमान का ग्रास लेवल में जाकर के हर एक काम को देखता है। और वो काम के ऊपर में हम लोग जो है पीसी करके, अपना मीटिंग करके, हम लोग जो आंदोलन करके, वो पोस्ट को हम लोग निकालता है और काम करवाता है एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं आज आपको बता दूं, ये आखिरी बात है, जो 5 साल से कन्वर्शन डाइवर्शन रुका हुआ है, ये 5 दिनों के अंदर में हमारा पब्लिक मीटिंग के बाद हम डेट देगा, उस डेट के अंदर में अगर नहीं हुआ तो ये अंडमान निकोबार जनता पार्टी और ये अजीज जो है हटने वाला नहीं है। और ये जनता का हित के लिए कोई भी तरह का काम, आप लोगों को परेशानी हो रहा है, लोगों से मैं अपील करता हूँ, खास करके जो जो मेरा ये वीडियो सुन रहा है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज जो हम लोगों का जो परेशानी आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, आपके पास हमारा फोन नंबर है, नहीं है तो नंबर नोट कर लीजिए, 9933294241, 9933294241। इस नंबर पे आप लोग कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी कोई भी समय आप लोग का डाइवर्शन हो दो या कन्वर्शन हो दो या कोई भी तरह का मुद्दा आप लोग के पास है, आप लोग परेशानी में जूझ रहे हैं, आप लोग अजीज भाई से कांटेक्ट करें, हमारा अंडमान निकोबार जनता पार्टी का प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करें, हमारा सेक्रेटरी सर है, सेक्रेटरी सर से कांटेक्ट करें, आप लोग हमें अपना प्रॉब्लम को बताइए, अपना प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आखिर में मैं आप लोगों को दोबारा से मैं आप लोगों को डेट बता दूं, 25 तारीख को शाम को 3 बजे सिप्पीघाट जंक्शन में हमारा अंडमान निकोबार जनता पार्टी का और से जो है पब्लिक मीटिंग है, उस पर जो है आप लोग सब आइएगा। धन्यवाद।